जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि अगर हम अष्टांग भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो उसमें क्या लाभ है। तो आज वीडियो जो बनाया है हमने, वो अष्टांग भैरव बाबा की पूजा के लाभ के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और अष्टांग भैरव बाबा की जय। देखिए, अष्टांग भैरव बाबा जो हैं, वो जो पुराणों में लिखा गया है कि 8 प्रकार के भैरव बाबा होते हैं, तो उसमें अष्टांग भैरव बाबा उन्हीं 8 भैरव बाबा में एक रूप है। देखिए, जो हमारा वीडियो बनाने का जो मेन प्रयोजन आज का है, वो ये बताना है कि अष्टांग भैरव बाबा की हम पूजा के लाभ, मतलब पूजा क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यही है कि अगर कोई रोग असाध्य है, तो असाध्य रोग होने पर अष्टांग भैरव बाबा की साधना करनी चाहिए। जो लोग काफ़ी लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हों और काफ़ी जतन के बाद भी रोग नहीं ठीक हो रहा हो, तो वे अष्टांग भैरव बाबा की पूजा करें। अष्टांग भैरव बाबा का मंत्र है ओम भम भम सा अष्टांगाय नमः, ओम भम भम सा अष्टांगाय नमः। इस मंत्र का जाप आप रोज़ 9 बजे के बाद करें, और इससे अच्छा है कि 10 बजे के बाद करें। रविवार चूँकि भैरव बाबा का दिन होता है, तो ये रविवार से आप जाप शुरू करें। अब करना क्या है आपको, देखिए, आप पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर अष्टांग भैरव बाबा की फ़ोटो रख दें। एक गमले में आप पीपल का पेड़ लगा लीजिए और उसे भी चौकी के निकट रख दीजिए। सबसे पहले रोली का टीका लगाएं भैरव बाबा को, और पीपल को भी रोली का टीका लगाएं। उसके बाद चावल छिड़कें, पहले भैरव बाबा के ऊपर फिर पीपल के ऊपर। अगर पुष्प है तो पुष्प भी चढ़ाएं भैरव बाबा को और पीपल पर, और फिर धूप बत्ती जलाकर भैरव बाबा और पीपल के सामने घुमाएं। फिर हम बता दें कि अगर कोई असाध्य रोग है, तो उसमें आपको अष्टांग भैरव बाबा की पूजा करें। जो रोग आपको काफ़ी समय से लंबा चला आ रहा हो और काफ़ी जतन से ठीक नहीं हो रहा हो और कोई दवाई काम नहीं कर रही हो, तो अष्टांग भैरव बाबा की पूजा करें। अष्टांग भैरव बाबा का मंत्र है ओम भम भम सा अष्टांगाय नमः। इस मंत्र का जाप आप रात में 9 या 10 बजे के बाद करें। रविवार से ही जाप शुरू करें, क्योंकि रविवार भैरव बाबा का दिन माना जाता है। और पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखें, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़े के ऊपर भैरव बाबा की एक तस्वीर रख दें। फिर एक गमला लें, उसमें पीपल का पेड़ पहले से लगा लीजिए, और फिर उस गमले, मतलब पीपल का पेड़ गमले सहित चौकी के बगल में रखें। फिर आप वहाँ पे आसन लगा कर बैठिए। सबसे पहले रोली का टीका लगाइए भैरव बाबा को, फिर पीपल को रोली का टीका लगाइए, फिर चावल छिड़किए भैरव बाबा और पीपल पर। अगर पुष्प हैं तो दोनों को पुष्प चढ़ाइए, मतलब भैरव को चढ़ाइए, फिर आप पीपल को चढ़ाइए। फिर धूप बत्ती जलाकर आप भैरव बाबा और पीपल के सामने घुमाइए। इतना करने के बाद इसके बाद सरसों का एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद उसे 8 बार घुमाएं भैरव बाबा के सामने और 8 बार घुमाएं पीपल के सामने। फिर लड्डू का भोग लगा दें, और एक लड्डू रख दें भैरव बाबा के सामने, एक लड्डू रख दें पीपल के सामने। उसके बाद पान के पत्ते पर 8 लौंग, 2 सुपारी और 2 इलायची रखें, और फ़ोटो के सामने, पान के पत्ते पे जो इलायची सब रखा है आपने, वो फ़ोटो के सामने रख दें, मतलब उनको अर्पण कर दें। उसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार पढ़ें। फिर मन ही मन में मंत्र का जाप शुरू करें, ओम भम भम सा अष्टांगाय नमः। इसको मन में जपिएगा। फिर जब जाप हो जाए, अच्छा देखिए कितना देर करना है इसको, कम से कम इसको आप 20 से 30 मिनट ज़रूर आँख बंद करके जाप करें। जाप के बाद सरसों के दिए को भगवान के सामने 8 बार घुमाएं। फिर अच्छा रोज़ जाप करिए, और 3 महीने बाद देखिए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। और मंत्र करें, मंत्र तब तक करना है
जब तक आपका रोग ठीक ना हो जाए। आप देखेंगे धीमे धीमे कि दवाइयाँ तेज़ी से काम करने लगेंगी और दवाइयाँ ना खाने पर भी जो आपका रोग है वो पीछे नहीं जाएगा, हमेशा वो सही होने की दिशा में ही जाएगा। तो इस चीज़ को आप करिएगा, उम्मीद है आपका रोग देखिए बहुत जल्दी ठीक होगा। पर इसमें और कुछ मत चढ़ाइएगा, सात्विक पूजा जैसे बताई है वैसे करिएगा। हाँ ये है, आप हलवा पूड़ी चढ़ा सकते हैं पर कोई ऐसा तामसिक चीज़ भैरव बाबा को अर्पित मत करिएगा। तो चलिए अब विदा लेता हूँ, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और अस्त।